सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। देश दुनिया की कुछ खास खबरें हैं जानेंगे इस वीडियो में। आपको बता दें गैस सिलेंडर आपको 1000 रुपए तक सस्ता मिलेगा, क्या पूरा अपडेट जानेंगे इस वीडियो में। वहीं पर आपको बता दें अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपको नए साल में पहली तारीख को यानी क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक आपको पेंशन मिल जाएगी, वो भी बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। कितना पेंशन बढ़ा है ये भी जानेंगे। और एफडी पर आपको भी ज्यादा ब्याज मिलने वाला है क्योंकि एसबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। एक एक खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सर्दी के मौसम में आ रहे हैं लोगों को पसीने, जानिए इसका क्या कारण है। और आने वाले समय में कब से कड़ाके की ठंड पड़ेगी ये भी जानेंगे। तवांग झड़प पर भारत के सपोर्ट में आ गया है अमेरिका। हर एक खबर बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर भी नई जानकारी है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फ्री राशन को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री राशन योजना की। तो जी हां, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान है, आने वाले समय में आपको मार्च महीने तक राशन मिलेगा, यानी मार्च 2023 तक सरकार यानी केंद्र सरकार फ्री राशन का ऐलान कर सकती है। हालांकि आपको बता दें अभी अक्टूबर के दूसरे चरण का राशन आपको नहीं मिला होगा और सरकार यानी यूपी सरकार वाला जो राशन है वो 15 दिसंबर को अक्टूबर के पहले चरण का समाप्त हो रहा है। यानी अगर सरकार ये डेट नहीं बढ़ाती है, यूपी सरकार की तरफ से अक्टूबर के पहले चरण के राशन का डेट नहीं बढ़ता, तो आपको 20 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 20 दिसंबर से लेकर केंद्र सरकार का राशन आपको मिलेगा 31 दिसंबर तक। तो केंद्र सरकार के राशन में आपको 35 किलो तक चावल मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। हालांकि आपको इसमें गेहूं वगैरह नहीं दिया जाएगा। वहीं पर बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर अभी यूपी सरकार के अक्टूबर के पहले चरण का राशन नहीं दिया गया, वहां पर राशन का उठान नहीं हुआ। तो ऐसे में कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तक राशन वितरण नहीं हो रहा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे जल्द ही राशन वितरण समाप्त होगा और खबर यही सामने आ रही है कि अक्टूबर के पहले चरण का राशन भी इसमें डेट बढ़ाई जाएगी, यानी कुल 18 से 19 तारीख तक आपको यूपी सरकार के पहले चरण का राशन मिलेगा। अच्छा चलिए जान लेते हैं कैसे गैस सिलेंडर आप बुकिंग करेंगे तो आपको 1000 रुपए सस्ता मिलेगा। जी हां, नए साल से पहले आप के लिए बड़ी खुशखबरी है, 1000 रुपए सस्ता मिल सकता है गैस सिलेंडर। फटाफट आपको बुक करना है। अगर आप भी गैस सिलेंडर बुकिंग करने जा रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों के बीच आपको 1000 रुपए सस्ता एलपीजी सिलेंडर मिल सकता है। आपको बताएंगे इसका क्या पूरा प्लान है। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी गैस सिलेंडर बुक कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस स्कीम को जान लीजिए। 1000 रुपए सस्ता एलपीजी सिलेंडर आपको मिल सकता है। 1000 रुपए तक मिलेगा आपको फायदा। बस आपको पेटीएम ऐप से अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी होगी। पेटीएम के जरिए सिलेंडर बुक करने पर आपको बड़ा फायदा मिलेगा। पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर आपको 1000 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। आपको प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना होगा। जी दोस्तों, इस समय पेटीएम पर 4 कैशबैक ऑफर का फायदा आप ले सकते हैं। इसमें आपको 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का कैशबैक मिलेगा। इसके लिए आपको प्रोमो कोड GAS1000 का इस्तेमाल करना होगा, यानी गैस 1000 का प्रोमो कोड लिखना होगा। इसमें ग्राहकों को अधिकतम 1000 रुपए और मिनिमम 5 रुपए का कैशबैक मिलता है। वही दोस्तों, न्यू ईयर से पहले राहत मिली है, 2 सूबे में बढ़ा दी गई है पेंशन, जानिए कहां पर कितना किया गया है इजाफा। आपको बता दें दोस्तों, क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले दक्षिण भारत के दोनों सूबों में यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पेंशन में इजाफा करने का फैसला बड़ी संख्या के लोगों को प्रभावित करेगा, यानी यहां पे पेंशन बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें यूपी में भी पेंशन जो है वो इसी तारीख से मिलना शुरू हो जाएगी, बढ़ी हुई पेंशन आपको दी जाएगी। दरअसल दोनों प्रदेशों की सरकार ने पेंशन में इजाफे का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश में सामाजिक पेंशन बढ़ाकर 2750 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है, जबकि तमिलनाडु में भी दिव्यांगों की पेंशन में इजाफा करने का ऐलान किया गया है। 14 दिसंबर 2022 को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने सामाजिक पेंशन मौजूदा 2500 रुपए से बढ़ाकर अब 2750 रुपए प्रति महीना कर दी है। और ऐसे में पेंशन योजना में जो यूपी सरकार है वो भी बढ़ी हुई पेंशन देगी, यानी जो पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही थी उसमें 500 रुपए बढ़ाया गया है, जो 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में नए साल के समय में आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। वही एसबीआई खाता धारकों के लिए भी एक बड़ी खबर है। एफडी पर आपको मिलेगा ज्यादा ब्याज। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी, अब 6.75% तक का रिटर्न आपको मिलेगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी कर दी है। एसबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें 13 दिसंबर से लागू हो चुकी हैं। 3% से लेकर 6.75% तक का ब्याज मिलेगा। आप यहां पे एसबीआई बैंक के एफडी पर मिलने वाले ब्याज की लिस्ट देख सकते हैं। वहीं पर कोटक महिंद्रा और यस बैंक ने भी एफडी पर ब्याज बढ़ा दिया है, आप यहां पे इसकी लिस्ट देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा ने बैंक में एफडी पर कितना ब्याज मिलेगा इसका पूरा लिस्ट यहां पर दिया गया है। वैसे ही यस बैंक ने भी एफडी पर कितना ब्याज मिल रहा है इसकी भी आप लिस्ट देख सकते हैं। और किसी पर भी अगर आप किसी भी बैंक के ग्राहक हैं तो आपको एफडी पर अब ज्यादा परसेंटेज मिलने वाला है। इस वजह से अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये सबसे बेहतर समय है।
वही दोस्तों कॉलेज में हनुमान चालीसा पढ़ने पर छात्रों को पीटा। मेरठ के कालका कॉलेज में हनुमान चालीसा पर हंगामा हुआ है। थाने पहुंचे हैं छात्र। मेरठ के कालका कॉलेज में छात्रों द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ने पर हंगामा हो गया। मंगलवार को कॉलेज के छात्र कैंपस के मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, तभी कॉलेज के पढ़ने वाले अन्य छात्रों ने उनके साथ हाथापाई और अभद्रता की थी। वही दोस्तों अब घर के पास ही मिलेगा इलाज। लखनऊ में जल्द खुलेंगे 108 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। फ्री में मिलेगी दवा और इलाज। जी दोस्तों, राजधानी में गरीब मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोलने की कवायद तेज हो गई है। 108 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू होगी। वही बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में भर्ती घोटाला हुआ है। संविदा कर्मी नियुक्ति मामले में लाइब्रेरियन और कार्यालय अधीक्षक पर FIR किया गया है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में वर्ष 2003 में हुई संविदा नियुक्ति में अनियमितता मामले में आखिरकार हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। नव नियुक्त निदेशक सरनीत कौर ने कार्यभार संभालते ही इस मामले में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मंगलवार को प्रधान सहायक की तहरीर पर तत्कालीन लाइब्रेरियन और रिटायर कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वही दोस्तों सर्दी के मौसम में आ रहा है पसीना। दिन का तापमान 27 डिग्री तक पहुंचा। 72 घंटे बाद मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल दोस्तों कानपुर में दिसंबर महीने की सर्दी बाद भी लोगों के शरीर में पसीने छूट रहे हैं। दिन में पारा 27 डिग्री तक पहुंच जा रहा है और सामान्य से 3.5 डिग्री से अधिक हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर में अधिक तीव्रता वाली सर्दी की संभावना कम ही है। बारिश के भी आसार नजर नहीं आ रहे। जिस महीने लोग सर्दी से कपकपाते हैं, उस महीने पसीने छुड़ाने वाली गर्मी पड़ रही है। 72 घंटे बाद करवट ले सकता है मौसम। CSA के मौसम विज्ञानी डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि तापमान बढ़ने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 72 घंटे के बाद सामान्य सर्दी की शुरुआत हो सकेगी। इसके बाद भी शीतलहर की संभावना नहीं है। नया पश्चिमी विक्षोभ नहीं आता है तो ही शीतलहर आएगी। इसके साथ ही दोस्तों तवांग झड़प पर भारत के सपोर्ट में आ गया है अमेरिका। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, चीन उकसाता है, हम भारत के साथ है। अमेरिका ने देखा चीन LAC के आसपास सेना जुटा रहा है और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। पैट राइडर प्रेस सेक्रेटरी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ है, अपने दोस्त के साथ है। वही दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन और राहुल के बीच हुई लंबी चर्चा। आज किसानों से करेंगे बातचीत। वही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज RBI के पूर्व गवर्नर N रघुराम राजन जुड़े हैं। राहुल गांधी ने राजन के साथ लंबी चर्चा की। टी ब्रेक तक लगातार दोनों बातचीत करते हुए चल रहे थे। आर्थिक मुद्दों पर रघुराम राजन बेबाक राय रखते रहे हैं। वहीं पर दोस्तों हैकर ने उड़ाया बिजली विभाग का फ्यूज। स्मार्ट मीटर में सिरिंज के केमिकल डालकर बंद करते हैं, 2000 की जगह 500 आता है बिल। शहरों में AC की तरह रिमोट से कंट्रोल हो रहा है बिजली मीटर। जी हां दोस्तों, 11 दिसंबर 2022 को UPSTF की टीम ने आसियाना क्षेत्र में एक घर में छापा मारा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही टीम को एक बहुत बड़ा मीटर लैब दिखा, जहां 578 बिजली के डिजिटल मीटर, 200 से ज्यादा सिरिंज और 539 चिप और 65 रिमोट बरामद हुए। दरअसल यहां स्मार्ट मीटर में शार्प तरीके से चिप लगाने और उसे रिमोट से कनेक्ट करने का काम किया जाता है, जिससे बिजली कम आती है, यानी 2000 की जगह 500 रुपए का बिल आने लगता है। वही बाबा विश्वनाथ ने भक्तों पर खर्च किए हैं 20 करोड़। सुरक्षा, मेडिकल, साफ सफाई और धूप से बचाने के लिए किए गए इंतजाम। इस साल 7,35,00,000 भक्त पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ अपने भक्तों को अपने धाम में बुलाने के साथ उनकी हर तरह से ख्याल भी रखते हैं। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे में कुछ हिस्से में उनको भी सुविधा मिल रही है। भक्तों की सुविधाओं के लिए खर्च होंगे 20 करोड़ रुपए। वही यूपी निकाय चुनाव को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। महिला के हाथ होगी अयोध्या शहर की सरकार। इन नेताओं की पत्नियों ने ठोकी है दावेदारी। पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ साथ बड़े नेताओं की पत्नियां भी दावेदारी जता रही हैं। BJP से महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर ममता पांडे, महापौर की पत्नी वंदना उपाध्याय, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र की पत्नी सुनीता मिश्रा और BJP नेता बद्री तिवारी की पत्नी संगीता तिवारी और महंत गिरीश पति त्रिपाठी की पत्नी राजलक्ष्मी त्रिपाठी, शरद पाठक बाबा की पत्नी अनीता पाठक व मंदिर समर्थक मुस्लिम बबलू खान की पत्नी BJP से दावेदारी कर रही हैं। इसके साथ ही यूपी में हर लोकसभा सीट पर होगी BJP की चाक चौबंद तैयारी। सीएम योगी के साथ हाई लेवल बैठक। दो विधानसभा रामपुर व खतौली और एक लोकसभा मैनपुरी के उपचुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नतीजों को लेकर समीक्षा की गई है। उत्तर प्रदेश में हाल के हुए उपचुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लंबी बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव BL संतोष मौजूद रहे। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।